Good morning, everyone. How are you? I hope all are fine. Standard 7th और हमारा subject है गुजराती. So today we will discuss about chapter number 13, भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर. Students, हमने last video में page number 78 तक किया था. तो आज हम वहाँ से आगे continue करेंगे. સમાજની કેટલીક જ્ઞાતિઓની જેમ જ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ પણ દહનીય હતી. ડૉક્ટર બાબા સાહેબનું હૃદય આ જોઈને પીગળી જતું. સ્ત્રીઓ માટેના સમાજના કાયદાઓ એટલા તો નિર્મમ અને આપખુદ હતા કે ન પૂછો વાત. તો સ્ટુડન્ટ્સ, મેં આપકો લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભી બતાયા હતા કે મીન્સ જો પહેલે કે ટાઈમમાં વુમન્સ કી કોઈ રિસ્પેક્ટ કરતા નહીં થા ઓર ઉસકે ઓર ઉસકો કોઈ રાઇટ્સ મિલતા નહીં થા. मीन्स उसको कोई गिनता ही नहीं था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर स्त्रीओं ने पण शिक्षण प्रत्ये अभिभूत करी अभिमुख करी बाळ लग्न करवानो विरोध कर्यो. विवाह विधवा विवाहनु समर्थन कर्यु. स्त्री ने पण एमनो वारसा हक मळवो ज जोईए एवो आग्रह सेवनार अलबत्त बाबा साहेब ज हता. उसने क्या किया बाबा साहेब आंबेडकर ने, मीन्स वुमन्स को, गर्ल्स को स्टडी करना ही चाहिए, उसके लिए स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है वो सब उसको समझाया. और क्या, और पहले के टाइम में आपको मालूम ही था, मीन्स अभी जो गर्ल्स होती है वो छोटी होती है, फिर भी उसका मीन्स छोटी उम्र में ही उसकी शादी करा देते थे. उसे क्या बोलते हैं, बाल लग्न. देन क्या है, विधवा विवाह. अगर कोई वुमन है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो फिर वो सेकंड टाइम मैरिज नहीं कर सकती, वैसा पहले के टाइम पे था. एंड अभी ये जो वारसा हक मळवो ज जोईए वो जो अभी उसकी बात है तो वो तो अभी भी ये चल ही रहा है. अगर कोई गर्ल है उसका मैरिज उसकी मैरिज हो जाते हैं तो वो दूसरे घर चले जाते हैं अपने ससुराल में, तो उसके पेरेंट्स के वहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें वो गर्ल को हिस्सा मिलता नहीं है. तो यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या किया है, क्या कहा है, वहाँ पे गर्ल को अपना हिस्सा मिलना चाहिए. बट ये सब समझने वाले वो टाइम पे कौन थे, ओनली फॉर कौन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर. और कोई ऐसी बातों में मानता नहीं था. बाबा साहेबनु एक सूत्र गाँठे बांधवा जेवु छे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, स्वावलंबन ज साची सहाय छे. तब बाबा साहेब आम्बेडकर क्या बोलते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને સ્વાવલંબન જ સાચી સહાય છે. એજ્યુકેટેડ બનના ચાહીએ, ફિર હમે યુનિટી રખની ચાહીએ એન્ડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનના ચાહીએ. કિસી કે ભી ઉપર હમે ડિપેન્ડન્ટ રહેના નહીં ચાહીએ. તેઓ સ્ત્રીઓને સમાજનું આભૂષણ લેખાવતા સ્વતંત્ર ભારતમાં કાયદા પ્રધાન બનેલા બાબા સાહેબે ભારતીય સંવિધાનમાં પણ લિંગ ભેદ નષ્ટ કરીને નારીને ગૌરવ પ્રધાન સ્થાન અપાવ્યું. બાબા સાહેબ આંબેડકર વો જો ગર્લ્સ થે વુમન્સ ઉસકી રિસ્પેક્ટ કરતે થે ઓર વો ઉસકો અચ્છી તરહ સે સમજતે થે ઓર વો હી એક એક એસા ઇન્સાન થે વો ટાઈમ પે જો ગર્લ્સ કો રિસ્પેક્ટ દેતે થે, બાકી કોઈ ગર્લ્સ કી વેલ્યુ નહીં કરતા થા. સ્વતંત્ર ભારતમાં કાયદા પ્રધાન બનેલા બાબા સાહેબ આંબેડકરે ભારતીય સંવિધાનમાં પણ લિંગ ભેદને નષ્ટ કરીને નારીના ગૌરવ પ્રધાન સ્થાન અપાવ્યું. જબ હમારા ઇન્ડિયા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હુઆ તબ બાબા સાહેબ આંબેડકર ને ક્યા કિયા, લિંગ ભેદ મીન્સ જેન્ડર ડિસ્ક્રિમિનેશન ઉસકો ભી લિંગ ભેદ કો નષ્ટ કરને કી, મીન્સ વો જો હમારે ટાઈમ પે થા વો પહેલે કે ટાઈમ પે યે ગર્લ હે યે વુમન હે યે કામ બોય હી કર સકતે હે યે કામ ગર્લ નહીં કર સકતી, કઈ સારા વો સબ વહાં પહેલે કે ટાઈમ પે થા, તો વો સબ કો ભી અબ હટા દેના ચાહીએ. ઉસ એસા બાબા સાહેબ આંબેડકર ને બતાયા હે. સ્ત્રીને શિક્ષણ મેળવવાનો સત્તા સ્થાને પહોંચવાનો, વિધવા વિચ્છેદન, પિતાની મિલકતમાં પણ ભાગ મેળવવાનો અને પુનઃલગ્નનો અધિકાર પણ આપવામાં આવ્યો. સ્ત્રી કો
शिक्षण मिलवाना मीन्स स्टडी करने का, फिर उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो फिर से मैरिज कर सकती है, वो भी राइट मिला है। उसके बाद उसके आगे क्या है, पिता ने मिलकत में भाग। मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंट्स के जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है उसमें भी गर्ल्स को हिस्सा मिलना चाहिए, वो सब बात को वो समर्थन कर रहे थे। उसके आगे हैं कायदाओनी साथे साथे बाबा साहेब स्त्री शिक्षण ने उत्तेजन मळे एवी शुभेच्छा थी प्रेरणे विद्यार्थिनीओने फीमां छूट अपावी। बाबा साहेब आंबेडकर ने लॉ के साथ क्या किया है, गर्ल्स को एजुकेटेड करने के लिए वो जो स्कूल होती है वहाँ पे उसकी जो फीस होती है वो फीस में थोड़ी फीस कम कर दी है और उसको स्कॉलरशिप भी दिलाते थे और वैसे सब उसने और वैसे सब वो अरेंजमेंट करते थे। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स है वो टाइम की वुमेन से वो सब एजुकेटेड हो सकते हैं। छात्रालय बंधवा माटे विनामूल्य जगह अपावी, निधि एकत्र करीने भोजनालयनी व्यवस्थापन करावी, एटलू ज नहीं स्त्रीओने मतदान मेळवानो अधिकार मळे ए माटे आग्रह सेवनार पण अलबत्त बाबा साहेब आंबेडकर ज हता। वो टाइम पे जो स्कूल बनाने थी गर्ल्स के लिए तो उसके लिए स्पेस चाहिए होती है तो वो भी पैसे के बिना किसने अपाई, किसने दिलाई है, वो बाबा साहेब आंबेडकर ने। और वहाँ पे गर्ल्स को खाने पीने के लिए भी थोड़ी व्यवस्था करके दी है और गर्ल्स को इतना ही नहीं वोटिंग के लिए भी उसको राइट मिलना चाहिए, तो वो सब के लिए भी बाबा साहेब आंबेडकर ने कितने सारे ट्राई की है और उसने कितने सारे वर्क भी किए हैं गर्ल्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।